हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रेनॉल्ड नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर हमने फ्लो मेज़रमेंट की नीड, फ्लो की डेफिनेशन और फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। जो फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनमें एक था लेमिनार फ्लो, एक था टर्बुलेंट फ्लो। तो जो रेनॉल्ड नंबर होता है वही हमें डिसाइड करता है या उसी की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा फ्लूड फ्लो हो रहा है वो किस टाइप का है, लेमिनार है कि टर्बुलेंट है, या एक और इसका टाइप होता है ट्रांजिशन फ्लो, कि वो ट्रांजिशन फ्लो है। तो सबसे पहले हम रेनॉल्ड नंबर को देखेंगे। जो इससे पहले वाला वीडियो था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं या कमेंट में भी पिन है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर को देखते हैं। रेनॉल्ड नंबर इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी दैट इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न एज लेमिनार और टर्बुलेंट बाई फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। जो रेनॉल्ड नंबर है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे मैंने कोई भी एक कोई एक कांस्टेंट डिजिट होती है एक तरीके से। जैसे मैं बोल दूँ कि ये इस फ्लो का रेनॉल्ड नंबर है 5000, 2000, 1500, तो उसके आगे कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इसे हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोल रहे हैं। इसका यूज़ किया जाता है फ्लो के पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए कि वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। जब वो किसी पाइप में से फ्लो हो रहा होगा तो जो हमारा फ्लो होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन चैनल फ्लो और एक होता है क्लोज चैनल फ्लो या क्लोज प्रोफाइल फ्लो होता है। तो वो ओपन कौन सा होगा और क्लोज कौन सा होगा वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। और इस रेनॉल्ड नंबर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू दैट ऑफ विस्कस फोर्सेस, इट इज डिनोटेड बाय आर ई। कहीं कहीं पर इसे आर ई से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर इसे आर डी से भी डिनोट करते हैं। तो अपन यहाँ पर आर ई को लेके चलेंगे, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, इनर्शियल फ्रो फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो को हम रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं। अब इनर्शियल फोर्स क्या होगा, इनर्शियल फोर्स वह फोर्स होता है जो मूविंग फ्लूड है या कोई भी मूविंग फ्लूड है या फ्लोइंग फ्लूड है उसका रेसिस्ट करता है, मतलब उसको फ्लो होने में रुकावट उत्पन्न करता है या रोकता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फोर्स। और विस्कस फोर्स के रेशियो को हम बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। तो इनर्शियल फोर्स क्या होगा, वी इंटू डी इंटू रो, और विस्कस फोर्स क्या होगा, म्यू। तो ये हमारा रेनॉल्ड नंबर के लिए फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर आर ई है वो क्या है, रेनॉल्ड नंबर, v क्या है या स्मॉल v क्या है, एवरेज वेलोसिटी, d है हमारा डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का डायमीटर, रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूड, और म्यू क्या है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं हम इसको, और इसको डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो ये हमारा रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हो गया। इसका नोट में मैंने लिखा है, रेनॉल्ड नंबर वॉज डिस्कवर्ड बाय ऑस्वर रेनॉल्ड इन द लेट 18th एंड वॉज नेम्ड हिज ऑनर। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूड। तो क्या है, जो सन 18th में सर ऑर्सवन और रेनॉल्ड थे, उन्होंने इस रेनॉल्ड नंबर का को डिस्कवर किया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम पर ही रेनॉल्ड नंबर रखा। और इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, फ्लो के पैटर्न को जानने के लिए या फ्लो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हम रेनॉल्ड नंबर का यूज़ करते हैं। रेनॉल्ड नंबर इज़ अ डायमेंशन लेस यूनिट व्हेन कॉन्स्टेंट यूनिट आर यूज इन द डिटर्मिनेशन। जो रेनॉल्ड नंबर है वो एक डायमेंशनलेस यूनिट है, इसलिए हम एक कॉन्स्टेंट यूनिट का यूज़ करते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए। कॉन्स्टेंट यूनिट मतलब कोई भी नंबर है उस नंबर का यूज़ करते हैं हम इसको डिटरमाइन करने के लिए कि फ्लो किस टाइप का है। तो इसकी क्या तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो हमारा फ्लो क्या होगा, लेमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा या ट्रांजिशन फ्लो होगा। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है, फ्लो विथ रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 इज कंसीडर एज लेमिनार फ्लो। जब जो फ्लो
फ्लो है उसका रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा, उस कंडीशन में जो हमारा फ्लो होगा वो लेमिनार फ्लो कहलाएगा। फ्लो विथ रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 इज कंसिडर एज टर्बुलेंट फ्लो। जब जो हमारा रेनॉल्ड नंबर है उसकी वैल्यू 4000 से ज़्यादा होगी उस कंडीशन में हम उसे बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। वाइल फ्लो हैविंग रेनॉल्ड नंबर बिटवीन 2000 to 4000 नॉन एज ट्रांजिशन फ्लो। जब जो हमारा फ्लो रेनॉल्ड नंबर है उसकी वैल्यू 2000 से 4000 के बीच होगी तब वो हमारा ट्रांजिशन फ्लो कहलाता है। तो ये हमारा एक रेनॉल्ड नंबर से रिलेटेड एक वीडियो था छोटा सा। इससे अगर रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।